हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठीर में। आज हम बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 4 जो कि क्लास 10th की साइंस का है, कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो उसकी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए हाइड्रोकार्बन और ये कुछ उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखे हैं, C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4 में से किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। संकलन का मीन्स योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संकलन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अगर जुड़ रहा है तो वो पूर्णतया जुड़ जाए और उससे कुछ बाहर ना निकले, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें हम हाइड्रोजन का योग कराएं तो ये बन जाता है CH3 बॉन्ड CH3, मींस इसमें से एक हाइड्रोजन आ जाता है इस वाले कार्बन पर और एक हाइड्रोजन आ जाता है इस वाले कार्बन पर और ये जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये CH3 बन जाता है। कहने का मीन ये है, ये वाला जो पदार्थ है वो कैसा है, असंतृप्त। तो ये योगात्मक या संकलन अभिक्रिया केवल और केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही प्रदर्शित करते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है वो, पहली बात तो ये दो तरह के होते हैं, पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। तो जो एल्कीन है इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो CN और H2N होता है और इनका CnH2n-2, मींस इसमें जितने भी कार्बन होंगे उसका ठीक डबल होगा हाइड्रोजन। तो हमें यह देखना है कि इसमें ऐसे कौन से यौगिक हैं जिनमें कार्बन की संख्या से ठीक दो गुने हैं हाइड्रोजन परमाणु। तो यहां पर दो का, यहां पर ये हो गया C2H6, ठीक दो गुना है नहीं, तो ये वाला असंतृप्त यौगिक नहीं है। इधर आ जाइए, ये दो गुना है, 3 × 6 होते हैं, ये भी नहीं है, तो ये भी संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके बाद C3H6, तो 3 × 2 है, असंतृप्त यौगिक है, बिल्कुल है, तब ये संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इसके बाद 2 × 2 होते हैं 4, लेकिन ये तो 4 से भी कम है, 2 × से भी कम है, तो 2 × से 2 कम होते हैं ये एल्काइन, तो ये कैसा हो जाएगा, असंतृप्त यौगिक है। और असंतृप्त यौगिक हमने अभी देखा संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो ये वाला भी संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। साथ ही साथ इसमें देखें कार्बन है एक और ये 2 है नहीं, ये 2 से भी ज्यादा है, तो ये भी असंतृप्त यौगिक नहीं है, तो ये भी संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसका हमारा आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, C3H6 और C2H2, यही दोनों हमारे आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टरीकरण किसे कहते हैं या फिर अथवा में दिया है, क्या होता है जब एथेनॉल की क्रिया एथेनोइक एसिड से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, किसी ना किसी सेट में ये वाला क्वेश्चन अवश्य मिल जाता है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसका सलूशन रहेगा, सबसे पहले एस्टरीकरण किसे कहते हैं, तो क्या होगा, पहले हम इसकी जो अभिक्रिया है ये देख लेते हैं। तो एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है,
C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया। इसकी क्रिया किससे करानी है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड हो गया। तो ये है एथेनॉल और ये एथेनोइक एसिड। इनकी क्रिया होनी है किसकी प्रेजेंस में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तब क्या होता है? यहां से हाइड्रोजन और यहां से ये OH, ये आपस में रिएक्ट करके जल का अणु बना लेते हैं। तो ये तो निकल गए बाहर H, कितने? 2H और एक O, तो H2O। अब बचा क्या? यहां से बचा CH3CO, CH3CO, और यहां से क्या बचा? OC2H5। तो ये क्या बन गया? इतना हो गया एसीटेट और ये क्या हो गया? एथिल। तो नाम हो गया इसका एथिल एसीटेट। और नहीं अगर इसका नेम पता है तो सीधे सीधे ये एस्टर होता है। तो हम कह सकते हैं जब एथेनॉल की क्रिया एथेनोइक एसिड से कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में, तब हमें एथिल एसीटेट या एस्टर प्राप्त होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में हमें अंत में क्या प्राप्त हुआ? जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो था एस्टर। तो एस्टर प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। तो इसी का अथवा में जो दे रखा है यही इसका भी आंसर रहेगा। तो क्या आंसर रहेगा? जब एथेनॉल की क्रिया एथेनोइक एसिड से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथिल एसीटेट यानी एस्टर प्राप्त होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में एस्टर की प्राप्ति होती है, अतः इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल क्या होता है? जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब तक एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो किस तरह से इसको करेंगे? एथेनॉल फार्मूला यही रहेगा, CH3CH2 और ये OH। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, C 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 और 2 5 हो गए। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C यहां पर H, ये H और ये H, CH3 हो गया, CH2 और ये OH। तो ये बन गया एथेनॉल। एथेनॉल की इसको हमें केवल गर्म करना है, गर्म करना है किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। तब क्या होता है? इस पर कितने हाइड्रोजन है? 2 और इस वाले पर 3। तब क्या होता है? एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से, चाहे ये वाला या ये वाला, हमने मान लिया ये वाला हाइड्रोजन यहां से और ये OH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? जल का अणु। और ये जल का अणु बाहर निकल जाता है, मींस H2O हो जाता है बाहर। अब क्या बचा? यहां से बचा CH2, यहां से भी CH2, तो ये CH2 और CH2। इसकी संयोजकता की बात करें तो अगर ये बॉन्ड हटा देंगे तो यहां पर कितने बॉन्ड रह जाएंगे? 1, 2, 3, 3 बॉन्ड रह जाएंगे इधर इस वाले कार्बन पर भी, 1, 2, 3। तो ये अभी कैसा है? कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बॉन्ड इनके बीच में और लगाना पड़ेगा और इस तरह से ये बन जाता है एथीन, जो कि कैसा है? असंतृप्त, असंतृप्त यौगिक।
तो क्या यह अभिक्रिया है? जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तब उससे जल का एक अणु बाहर निकल जाता है जिससे एथीन प्राप्ति होती है। तो इस अभिक्रिया को हम एक और भी नाम दे सकते हैं, क्या? निर्जलीकरण। क्यों निर्जलीकरण? निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का अणु का बाहर निकलना। तो इस अभिक्रिया में जल का ही अणु एक बाहर निकल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आई होप तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल RP पब्लिक स्कूल जोगी ठेर को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।